जो ही पाठ्य पुस्तक से पाठ दो है सूझबूझ। इस पाठ में हम देखेंगे कि किस तरह समझदारी से, बुद्धिमानी से किसी समस्या का हल निकाला जा सकता है, कौन कितना बुद्धिमान है ये देखा जाता है। एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए, कि जब विद्यार्थियों की बुद्धिमानी को परखा जाता है तो उनकी परीक्षा ली जाती है और उससे पहचाना जाता है कि उसके अंदर कितनी योग्यता है। उसी प्रकार इस पाठ में भी राजा कृष्ण देव राय बुद्धिमानी की परीक्षा लेते हैं। तो आगे हम इसी पाठ को समझेंगे। एक बार राजा कृष्ण देव राय ने राजदरबार में बैठे लोगों की बुद्धि की परीक्षा लेने की सोची। उन्होंने एक रजाई को दिखाते हुए ऐलान किया या घोषणा की कि दरबार में जितने भी दरबारी बैठे थे, मंत्री बैठे थे, उन सबका उन्होंने परीक्षा लेने की सोची। तो उन्होंने इसके लिए ऐलान किया, जो भी इस रजाई से मेरा पूरा शरीर ढक देगा या उड़ा देगा उसे मैं इनाम मिलेगा। तो यहाँ पर आगे फिर बताते हैं राजा कृष्ण देव राय, राजदरबार में बैठे सब लोगों को यह काम बहुत आसान लगता है, उनके लिए सरल होता है ये काम। कोई भी आसानी से किसी को भी रजाई उड़ा सकता है, उसमें कोई बड़ी बुद्धिमानी की आवश्यकता नहीं थी। पर रजाई देखकर सब लोग सोच में पड़ गए कि इतनी छोटी सी रजाई को कैसे उड़ाया जा सकता है। तो सभी आपस में सोचते और बोलते ये तो बहुत छोटी रजाई है। तभी एक मंत्री आगे आया और बोला, महाराज इस काम को तो मैं चुटकी बजाते ही कर दूंगा। ऐसा कहने के बाद राजा कृष्ण देव राय कहते हैं, ये क्या, राजा कृष्ण देव के मुंह और पैर तो खुले रह गए। मंत्री मुंह लटकाए वापस जाने लगे, क्योंकि सबको हंसी आने लगती है जब राजा कृष्ण देव राय बिस्तर पर लेटते हैं तो उनका मुंह रह जाता है और पैर छूट जाते हैं। तो क्योंकि ये रजाई छोटी होती है वो पूरी तरह से उनको ढक नहीं पाती है। अब बारी थी पहलवान की। महाराज को रजाई मैं उड़ाऊंगा, ऐसा पहलवान कहता है। उसके बाद होता यह है कि पहलवान भी रजाई उड़ाने लगता है। जैसे ही उसने इधर उधर से रजाई खींची, कभी वो सर के तरफ रजाई को खींचता, कभी वो पैर के तरफ रजाई को खींचता, कभी सिर खुला रह जाता तो कभी पैर खुला रह जाता। इस तरह वो कोशिश करता है, लेकिन वो भी पहलवान भी वो रजाई राजा कृष्ण देव राय को नहीं उड़ा पाता है, उसे भी खाली हाथ लौटना पड़ता है। इस तरह एक एक करके कई लोग आए, लेकिन सभी ने हार मान ली। अंत में राजा कृष्ण देव राय ने तेनालीराम को बुलाया। तेनालीराम, क्या तुम यह काम कर सकते हो? जी महाराज। रजाई उड़ाते हुए तेनालीराम बोले, महाराज आप अपने घुटनों को थोड़ा सा मोड़ लीजिए। फिर तेनालीराम ने रजाई से राजा के पूरे शरीर को ढक दिया। उसकी बुद्धिमानी को देखकर आसपास खड़े जितने भी मंत्री पहलवान थे सब कहने लगते, वाह वाह, इसे कहते हैं दिमाग यानी बुद्धिमानी। राजा कृष्ण देव राय खुश होकर तेनालीराम को अपनी कीमती अंगूठी इनाम में दी। इस तरह आपने देखा तेनालीराम की बुद्धिमानी से, उसकी सूझबूझ से कठिन काम को उसने किस तरह से आसान कर दिया। अब इस पाठ का हम वीडियो देखेंगे। दो सूझबूझ। एक बार राजा कृष्ण देव राय ने राज दरबार में बैठे लोगों की बुद्धि की परीक्षा लेने की सोची। उन्होंने एक रजाई को दिखाते हुए ऐलान किया, जो भी इस रजाई से मेरा पूरा शरीर ढक देगा उसे इनाम मिलेगा। राज दरबार में बैठे सब लोगों को ये काम बहुत आसान लगा, पर रजाई देखकर सब सोच में पड़ गए। इतनी छोटी रजाई, ये तो बहुत छोटी रजाई है। तभी एक मंत्री आगे आया और बोला, महाराज इस काम को तो मैं चुटकी बजाते ही कर दूंगा। पर ये क्या, राजा कृष्णदेव राव के मुंह और पैर तो खुले ही रह गए। मंत्री मुंह लटकाए वापस जाने लगा। अब बारी थी पहलवान की। महाराज को रजाई मैं उड़ाऊंगा। पहलवान रजाई उड़ाने लगा।
उसने इधर उधर से रजाई खींची, लेकिन कभी सिर खुला रह जाता, कभी पैर तो कभी हाथ। इस तरह एक एक करके कई लोग आए, लेकिन सभी ने हार मान ली। अंत में राजा कृष्णदेव राय ने तेनाली राम को बुलाया। तेनाली राम, क्या तुम ये काम कर सकते हो? जी महाराज। रजाई ओढ़ाते हुए तेनाली राम बोले, महाराज आप अपने घुटनों को थोड़ा सा मोड़ लीजिए। फिर तेनाली राम ने रजाई से राजा के पूरे शरीर को ढक दिया। वाह, इसे कहते हैं दिमाग, वाह वाह। तेनाली राम की बुद्धिमानी देखकर सभी लोग हैरान रह गए। राजा कृष्णदेव राय ने खुश होकर तेनाली राम को अपनी कीमती अंगूठी इनाम में दी। सी, सूझबूझ और बुद्धिमानी से कठिन काम भी आसान बन जाता है। अब हम इस पाठ के कठिन शब्दों के अर्थ देखेंगे। मुंह लटकाना, निराश होना। मंत्री मुंह लटकाए वापस जाने लगा। पहलवान, हट्टा कट्टा आदमी। अब बारी थी पहलवान की। महाराज को रजाई मैं ओढ़ाऊंगा। परीक्षा, योग्यता या क्षमता को परखना। एक बार राजा कृष्णदेव राव ने राज दरबार में बैठे लोगों की बुद्धि की परीक्षा लेने की सोची। ऐलान, घोषणा। उन्होंने एक रजाई को दिखाते हुए ऐलान किया। बुद्धिमानी, समझदारी। तेनाली राम की बुद्धिमानी देखकर सभी लोग हैरान रह गए। शरीर, बदन, तन। जो भी इस रजाई से मेरा पूरा शरीर ढक देगा उसे इनाम मिलेगा। तो हमने इस पाठ के माध्यम से देखा कि किस तरह से तेनाली राम ने अपनी बुद्धिमानी और समझदारी से इस समस्या का हल निकाला। राजा कृष्णदेव राव को उसने अपनी बुद्धिमानी से पैरों को मोड़ने के लिए कहा, उसने बुद्धिमानी दिखाई जिसके द्वारा उसने उस परीक्षा में अपनी क्षमता को दिखाया, अपनी योग्यता को दिखाया। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि बुद्धिमानी से, सूझबूझ से हम किसी भी समस्या को आसानी से दूर कर सकते हैं। धन्यवाद।